जय श्री गणेश आय नमः। साप्ताहिक राशिफल 4 जुलाई से 10 जुलाई तक। मेष राशि, मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, बातचीत में संयम रहे, परिवार का सहयोग रहेगा, माता का सानिध्य मिलेगा, शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा कष्टप्रद हो सकती है, कार्य में परिश्रम की अधिकता रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खर्चों की अधिकता रहेगी। वृषभ राशि, आत्मविश्वास से भरे तो रहेंगे लेकिन आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, आत्मसंयत रहें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा, इच्छा के विरुद्ध कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, परिश्रम की अधिकता रहेगी। मिथुन राशि, आत्मसंयत रहें, वाणी में सौम्यता रखें, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा, किसी पुराने मित्र एवं भाइयों के सहयोग से आय के स्रोत विकसित होंगे, कार्य में परिश्रम की अधिकता रहेगी लेकिन यथानुरूप आय में वृद्धि की संभावना कम ही नजर आ रही है, माता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी तथा अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, सुखद खानपान में रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि, मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे लेकिन अति उत्साही होने से बचें, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, माता व परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नौकरी में अवसरों का सहयोग तो मिलेगा लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वाहन के रखरखाव में खर्चे बढ़ सकते हैं, रहन सहन सामान्य रहेगा, आय में अवरोध आ सकते हैं। सिंह राशि, अपनी भावनाओं को वश में रखें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, भवन सुख का विस्तार होगा, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र का विस्तार भी संभव है, अफसरों से मतभेद हो सकते हैं, घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, खर्चे में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, पिता से धन प्राप्ति की संभावना बहुत प्रबल है। कन्या राशि, मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, नौकरी में कार्यभार में वृद्धि संभव है, आय में वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन भी संभावित है, खर्चों में भी वृद्धि होगी, भवन के रखरखाव व सज्जा में खर्च कर सकते हैं, भाइयों का सहयोग मिलेगा, शैक्षिक एवं शोध आदि के कार्यों में सफलता मिलेगी, कारोबार में विस्तार की संभावना है, आपको किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग तो है ही। तुला राशि, वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, बातचीत में संयत रहें, वस्त्रों आदि की ओर रुझान बढ़ेगा, नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा, तरक्की के मार्ग बनेंगे, आय में वृद्धि होगी, संचित धन भी बढ़ेगा लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि में सफलता मिलेगी, आय में वृद्धि होगी लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी लेकिन क्रोध की भी अधिकता रहेगी, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, माता के सानिध्य व सहयोग मिलेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, भाइयों का सहयोग भी रहेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, साक्षात्कार आदि कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, उच्च पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रयास करें और आय में वृद्धि भी निश्चित है। धनुराशि, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा, परिवार के साथ यात्रा देशाटन के लिए जाना हो सकता है, अनियोजित खर्चों में वृद्धि हो सकती है, कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचने का प्रयास करें, जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं, नदी व जलाशय के पास जाएं तो सुरक्षित रहें, संतान को स्वास्थ्य विकार रहेंगे। मकर राशि,
कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं। अफसरों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख का विस्तार संभव है। धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रहेगा। नौकरी में अफसरों से वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि, क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। वाहन के रखरखाव पर खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। लेखन आदि कार्यों से आय में वृद्धि की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खान पान की ओर रुझान बढ़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। मीन राशि, मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन मन में असंतोष भी रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वस्त्रादि भी उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। अनियोजित खर्चों में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे। ये आपका साप्ताहिक राशिफल है। अपने सप्ताह को हमारे दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार प्लान करें और सुखी रहें। इस राशिफल को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष से संबंधित बहुत ज़रूरी जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।